सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जन सुनवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका भी ऐसा कहीं काम होगा जो आपका काम नहीं हो रहा है, या ऐसे काम है जहाँ पर शिकायत करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि इन डिपार्टमेंट का कहाँ पे शिकायत किया जाए। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर हम लोगों का सुनवाई नहीं किया जाता है और वो हमारा काम नहीं करते हैं ठीक तरह से। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे परेशानी में है जो आपका काम नहीं हो रहा है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो उसका अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे उनका कंप्लेन और कहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं बताने वाला हूं केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जो है, अगर उत्तर प्रदेश से नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं आप कहां शिकायत कर सकते हैं और कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है जन सुनवाई। आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों, वहाँ पर जो है आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। और दोस्तों, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, और यहां पर प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है जन सुनवाई। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं जन सुनवाई टाइप करूँगा वो एप्लीकेशन हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने जन सुनवाई टाइप किया यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ गई चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया एप्लीकेशन है। कोई भी शिकायत हो आप डायरेक्ट उनके पास उनके ऑफिस तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पेशल जो है शिकायत के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, जैसे ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, आप इसे पहले फिल कर लीजिए। और दोस्तों, फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे साइन अप का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर, और OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम OTP यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और दोस्तों देखिए, OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप हिंदी, इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। फिर आपसे परमिशन पूछेगा, परमिशन दे दीजिए। फिर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए आप शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे विवरण संशोधित, आप जो भी मतलब आपका इन्फॉर्मेशन इंटर किए वो सब भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप शिकायत आसानी से कर सकते हैं जो भी आपको शिकायत करना हो। और यहाँ पर देखेंगे तो लैंग्वेज भी आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपयोगकर्ता पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप विवरण चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका विवरण है वो आप बदल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अपना शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं, आपकी शिकायत की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देखिए क्लिक करेंगे तो ये केवल 3 माह पूर्व, तो जो भी आप शिकायत किए रहेंगे वो आपको दिखेगा। और यहाँ पर देखिए आप शिकायत कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी हो वो सब डिटेल भी फिल करके आप शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।